Welcome all of you once again, and today we are going to learn about the problem set second from the ninth geometry. तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमारे लाइव सेशन में, जैसे कि जूम के लाइव सेशन में हमने देख लिया था प्रैक्टिस सेट 2.2 तक. अब देखते हैं प्रॉब्लम सेट सेकंड. प्रॉब्लम सेट सेकंड में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. अब इस एमसीक्यू में हमें पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, दैट इज इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया गया कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे पता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज एमसीक्यूज. इसमें पहला बीट है और उसका जो आंसर है वो आपका सी है, दैट इज 180 डिग्री. ओके, सो अब देखते हैं सेकेंड, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्मड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज. आपको पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हो या पैरेलल हो, अगर उनकी एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो योर आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द एमसीक्यू, दैट इज ऑप्शन सी, इट इज 8. तो ये है पहले दो क्वेश्चन. अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 40 डिग्री, वन ऑफ द एंगल्स इज 40 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल. अब आपको बताया गया है कि अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एंड द मेजर ऑफ वन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू 40 डिग्री, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल. सो वी नो दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल. इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री है तो दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट भी 40 डिग्री होगा. सो योर ऑप्शन इज, दैट इज ए. थर्ड के लिए आपका जो ऑप्शन है वो है ए, 40 डिग्री. अब देखते हैं फोर्थ वन एमसीक्यू. फोर्थ एमसीक्यू, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 48 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एंगल सी. तो आपको पता है ए 76 और बी 48 डिग्री है, बट वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. सो 76 प्लस 48 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों की एडिशन 124 एंड द सबट्रैक्शन ऑफ 124 दैट इज 56. तो आपका जो आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज द ऑप्शन बी, इट इज 56 डिग्री. ओके, ये रहा एमसीक्यू नंबर फोर. अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर फाइव, फिफ्थ एमसीक्यू. टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 75 डिग्री, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और अनदर अल्टरनेट एंगल. अब आपको पता है विद द टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अगर फिर एक अल्टरनेट एंगल का मेजरमेंट आपको दिया है 75 डिग्री, तो दूसरे का भी मेजरमेंट होगा आपका 75 डिग्री. ये है ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री. तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, जिसमें 5 एमसीक्यू आपको दिए गए हैं. आप देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट. चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया गया है, दैट इज रे पी क्यू एंड रे पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू पी आर रिस्पेक्टिवली. रे पी बी एंड रे पी ए आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ड्रॉ फिगर शोइंग ऑल ऑफ दीज रेज एंड राइट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. तो आपको कहा गया है कि दो रेज है, दैट इज रे पी क्यू एंड रे पी आर पैरेलल टू ईच अदर. उसके बाद आपको बताया गया है पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ दैट
angle QPR and point A is in the exterior of angle QPR. फिर से आपको कहा गया है that is point ray AP and ray PB and ray PA are also perpendicular to each other. इसकी फिगर आपको ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको pairs of corresponding angles, pairs of alternate angles, sorry, pairs of complementary angles, pairs of supplementary angles and pairs of congruent angles लिखने हैं. तो चलिए यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर रहे थे. आपको बताया गया है that is ray PQ and ray PR are perpendicular to each other. तो यहाँ पे पहले आप फिगर में लिखते हैं, ड्रॉ कर दें. सपोज दिस इज वी हैव रे PQ एंड रे PR विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब यहाँ पे ये दोनों रेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उसके बाद यहाँ पे एंगल QPR फॉर्म होता है. उसके बाद आपको कहा गया है पॉइंट B is in the interior and point A is in the exterior of angle QPR, but ray PB and ray PA are also perpendicular to each other. तो ये भी एक दूसरे को perpendicular है. That is यहां पे होगा point B, यहां पे होगा point A. So point B is in the interior of angle QPR and point A is in the exterior angle of QPR. ये रही आपकी फिगर. अब आपको बताना है pair of complementary angle, pair of supplementary angle and pair of congruent angles. तो यहां पे हम देख सकते हैं first that is pair of complementary angles. तो यहां पे हम देख सकते हैं complementary angles. The angle or the sum of two angles equal to 90 degree, then those are called complementary angles. जिन दो एंगल की सम 90 degree होती है उन्हें हम complementary angles कहते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं that is angle QPB and angle BPQ, BPR forms right angle QPR. इसका मतलब ये होता है कि इन दो angles की सम कितनी होगी 90 degree. So this is the pair of complementary angles. But यहाँ पे दूसरी भी एक pair है that is angle APQ and angle QPB. Because they form the right angle APB. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी second pair of complementary angles है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं that is pair number A, angle QPB and angle BPR. Second pair है आपकी angle APQ and angle QPB. So these two are the pairs of complementary angles in the figure. अब next देखते हैं pair of supplementary angles. Supplementary angles. अब pair of supplementary angles आपको पता है जिन दो एंगल की सम 180 डिग्री होती है उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं. और यहां पे ऐसे दो राइट एंगल्स आपको दिखते हैं फिगर में कि जिनकी सम 90 डिग्री 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 होगी. दैट इज एंगल APB इज अ राइट एंगल एंड एंगल QPR इज आल्सो राइट एंगल. सो द सम ऑफ दीस टू इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल APB एंड एंगल QPR. सो ये रही आपकी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब थर्ड लिखते हैं यहां पे हम pair of congruent angles. Congruent angles की pair आपको लिखनी है. अब congruent angles means the two angles having same measure. तो यहां पे हम notice कर सकते हैं that is angle APB and angle QPR is the first pair of congruent angles. लेकिन उसके बाद भी एक pair आपको मिलेगी जो congruent होगी. यहां पे आप अगर notice करो तो angle APQ and angle QPB की सम 90 degree है. बट एंगल QPB प्लस एंगल BPR also equal to 90 degree है. इसका मतलब यह है कि एंगल APQ और एंगल BPR ये एंगल 1 और एंगल 2 अगर कंसिडर कर ले हम तो इन दो एंगल की सम एक ही एंगल QPB के साथ 90 degree आती है. इसका मतलब यह होता है कि दैट इज एंगल QPB इज कॉमन एंगल बिटवीन देम. और सो दैट्स व्हाई एंगल APQ एंड एंगल BPR आर इक्वल बिकॉज इन दोनों का मेजरमेंट सेम होने के बाद ही इसके साथ इन दोनों की सम सेम आएगी 99. तो यहां पे हम लिखते हैं पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स. इसमें फर्स्ट पेयर है आपकी एंगल APB
एंड और एंगल एबीबी कॉन्वेक्स टू एंगल क्यूपीआर बिकॉज बोथ आर राइट एंगल्स और सेकंड बी पेयर है आपकी एंगल एबीक्यू कॉन्वेक्स टू एंगल बीपीआर. तो ये रहे आपके पेयर्स ऑफ कॉन्वेक्स एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स और इसके पहले हमने देखे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके तो ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड. अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड की तरफ. सो प्रॉब्लम नंबर थर्ड, सो इन द थर्ड यू हैव टू डू दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन आल्सो. आपको यहां पे बताया गया है कि अगर एक लाइन दो पैरेलल लाइन में से किसी एक लाइन को अगर परपेंडिकुलर है तो वही लाइन दूसरी पैरेलल लाइन को भी परपेंडिकुलर होती है, आपको प्रूव करना है. और इसको हम कोरोलरी ऑफ टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं. ठीक है तो चलिए इसे प्रूव करते हैं. तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो सपोज वी हैव टू पैरेलल लाइंस लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड सपोज लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल. सपोज दिस एंगल ए ओके एंड दिस वन इज एंगल बी. ओके तो मैं थोड़ा यहां पे चेंज करूंगा. एंगल ए हम यहां पे लिखेंगे और एंगल बी हम यहां पे लिखेंगे. और आपको यहां पे बताया गया है एल पैरेलल टू एम एंड एम इज परपेंडिकुलर टू द वन पैरेलल लाइन दैट इज एल एंड यू हैव टू डू दैट द लाइन एन इज आल्सो पैरेलल टू द सेकंड सॉरी परपेंडिकुलर टू द सेकंड पैरेलल लाइन दैट इज एल. तो यहां पे हम पहले गिवन लिखते हैं. व्हाट इज द गिवन? तो गिवन में हम लिख सकते हैं लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम कॉमा लाइन एन इज ट्रांसवर्सल एंड लाइन एन परपेंडिकुलर टू लाइन एल. तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है ये देखते हैं. तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव में दैट इज लाइन एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन एम. लाइन एन अगर एन को परपेंडिकुलर है तो लाइन एन ये एम को भी परपेंडिकुलर होगी. यह हम प्रूव करने वाले हैं. तो यहां पे लिखते हैं प्रूफ. तो प्रूफ लिखने से पहले मैं आपको ओरली इसका प्रूफ समझा देता हूं कि जहां पे आप कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं. तो सिंपल है. पहले लाइन एल पैरेलल टू एम एंड एन विल ट्रांसवर्सल देयरफॉर वी गेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बिकॉज व्हाई दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ए इक्वल टू बी हो. लेकिन बट लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल देयरफॉर वी गेट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. अब एंगल बी 90 डिग्री है इसका मतलब एन इज परपेंडिकुलर टू द एम. तो चलिए यहां पे करते हैं दैट इज लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज ट्रांसवर्सल दिस इज गिवन. ये आपके पास गिवन है. Therefore we can write that is angle A equal to angle B because corresponding angles. Let the statement number one. इसको statement number one consider करते हैं. But angle A और यहां मिलते but line N is perpendicular to line L, line N is perpendicular to line L, therefore angle A equal to 90 degree, equation number second. अब first and second से हम conclusion भी निकाल सकते हैं. Therefore, from 1 and 2, that is angle B is also equal to 90 degree. Angle B equal to 90 degree, that is line N is also perpendicular to line M. Hence proved. तो ये हुआ आपका प्रूफ लाइन एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन एम.
तो ये रहे आपके तीन प्रॉब्लम, फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड प्रॉब्लम एंड थर्ड प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4। सो अगेन वी हैव अ फिगर लाइक एल एंड लाइक एम आर गिवन, एंगल एल्स एंड एंगल वाई, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन इन द फिगर, यूजिंग द मेजर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एल्स एंड एंगल वाई एंड हेन शो दैट लाइक एल पैरेलल टू लाइन एम। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। So we have two lines L and M, and measure of some angles are shown in the figure, that is 130 degree, X, next 50 degree and Y। और अब यहां पे आपको मेजरमेंट फाइंड करने, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y एज वेल एज टू द टाइम L इज पैरेलल टू लाइन M। तो चलिए सॉल्यूशन में पहले मैं आपको बता दूंगा कि इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे एंगल एक्स इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिमिलरली एंगल वाई इक्वल टू 50 डिग्री निकल गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एंगल एक्स प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज 130 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, बट दीज टू आर द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस एल एंड एम, देयरफॉर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो ये समझ में आता है, तो चलिए देखते हैं पहले हमें। सो वी हैव एंगल एक्स इक्वल टू 130 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल वाई इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल वाई इक्वल्स टू 50 डिग्री, बट नाउ बट एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट दीज आर इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन L and line M, therefore we can write that is line L is parallel to line M by interior angle test। तो ये हुआ, ये दो lines एक दूसरे को parallel भी हुई और X and Y के measurement भी हमने find कर लिए। तो ये रहे आपके problem number 4 तक के क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8। ओके, अब जो बाकी के प्रॉब्लम्स हैं, जो चार प्रॉब्लम्स बचे हैं, वो हम अगले के सेशन में आपको बता देंगे, ठीक है।